शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है। इसमें भोलेनाथ जी की कृपा पाने के लिए कई ऐसे चमत्कारी मंत्र हैं जिनके जाप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। केवल भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक रोग हो, उसके लिए शिव भगवान के कई ऐसे मंत्र है जिनका जाप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, वह रोगी निरोग होता है। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है, ऐसे में ये उपाय करने से, इन मंत्रों का जाप करने से भोलेनाथ जी की कृपा बरसती है, वह महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है। तो सबसे पहले जय श्री महाकाल, जय माता दी। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालो ओंकार ममलेश्वरम, परवल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने। महाज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में महादेव उज्जैन में महाकाल महाराज विराजमान है। यहाँ शिवरात्रि पर महापर्व होने जा रहा है। प्रतिदिन सभी भक्त लोग अपने अपने मनोकामना के पूर्ण मनोकामना हेतु जल अभिषेक अभिषेक करते हैं। और महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो केवल एक लोटा जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकंजयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम होम ओम। इस महामंत्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव के इस महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र से अनेकों अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार के जो रोग है वह नष्ट हो जाते हैं। और यदि यह मंत्र बड़ा होता है तो ओम नमः शिवाय के मंत्र से महादेव प्रसन्न होते हैं।